मोतियाबिंद या कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का लेंस सफेद हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट होता है ऑपरेशन से। इस ऑपरेशन का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन। इसमें ये जो आंख का लेंस है इसको हम बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज कई तरह के होते हैं और आज मैं आपको ऐसे ही दो लेंसेज के बारे में बताऊंगी। एक का नाम है पेनोप्टिक्स और दूसरे का नाम है सिनर्जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई सर्जन एंड फेको रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट तिरुपति आई सेंटर में, जो कि एक आई हॉस्पिटल है सेक्टर 33 नोएडा में। तो ये जो लेंसेस होते हैं कई तरह के हैं। कुछ लेंसेस होते हैं जिनका नाम है मोनोफोकल लेंसेस। मोनोफोकल लेंसेस दूर का साफ दिखाते हैं लेकिन पास की चीज के लिए +2.5 या 3 का चश्मा लगाना पड़ता है और अगर हम ये चश्मा नहीं लगाएं तो हम ये रीडिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए अब न्यू तरह के लेंसेस हैं जो कुछ सालों में पॉपुलर हो रहे हैं, उनको कहते हैं हम ट्राईफोकल लेंसेस। ट्राईफोकल लेंसेस ऐसे लेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ दूर का ही नहीं, इंटरमीडिएट रेंज और पास की या नियर रेंज के लिए भी चश्मे पर डिपेंडेंस हट जाती है। चश्मा तो फिर भी लगता है लेकिन डिपेंडेंस नहीं रहती। तो ये जो पेनोप्टिक्स लेंस है ये एक तरह का ट्राईफोकल लेंस है। तो ये डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों रेंजेस देगा। लेकिन थोड़ा डिसएडवांटेज इस लेंस के साथ ये होता है कि या इस कैटेगरी ऑफ लेंसेस के साथ ये होता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डाउन होता है क्योंकि इनकी डिजाइन जो है जिसमें स्टेप्स या रिंग्स बने होते हैं इस तरह की है कि लाइट थोड़ी स्कैटर होती है जिससे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और इसके अलावा कभी कभी किसी किसी को लाइट के आगे थोड़ा ग्लेयर होता है या हेलोज नजर आते हैं। तो इसी को सर्कमवेंट करने के लिए एक टाइप के लेंसेज और हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज या EDOF लेंसेज। EDOF लेंसेज में कॉन्ट्रास्ट भी उतना अफेक्ट नहीं होता और ग्लेयर और हेलोज के चांसेस भी कम होते हैं। और इसके अलावा ये डिस्टेंस की विजन देते हैं अच्छी और साथ में इंटरमीडिएट देते हैं लेकिन नियर अच्छी नहीं देते। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन की EDOF का और बायफोकल लेंसेज का कॉम्बिनेशन है एक लेंस जिसका नाम है सिनर्जी लेंस। सिनर्जी लेंस एक इस टाइप का लेंस है कि इसमें रेंज तो पूरी है नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस की, लेकिन साथ साथ EDOF की प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है और चांसेस ऑफ ग्लेयर एंड हेलोज भी कम है। इसमें एक वन ऑफ द नियरेस्ट रेंज पॉसिबल है जिनके हम इम्प्लांट करते हैं, हम देखते हैं कि ये 33 सेंटीमीटर्स ऑनवर्ड्स देख सकते हैं जो वन ऑफ द नियरेस्ट रेंज है फॉर रीडिंग और कंटिन्यूअस रेंज होती है विदाउट एनी ब्रेक्स। जो कि ट्राईफोकल्स में ब्रेक्स होंगे, इस लेंस में कोई ब्रेक्स नहीं होंगे रेंज में, तो एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन होती है। इसीलिए इसको कहते हैं CRV लेंस और ये रेंज ऑफ विजन डिस्टेंस तक होती है, तो स्पेक्टिकल डिपेंडेंस मिनिमल होती है। इसके अलावा इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं हम क्रोम अलाइन टेक्नोलॉजी। इस क्रोम अलाइन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि क्रोमेटिक एबरेशंस नाम से चीज इसमें हट जाती है या मिनिमल हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। इवन डिम लाइट कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा होता है जो और लेंसेज से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें से वायलेट लाइट को कट ऑफ कर देते हैं ये लेंसेज और ब्लू को अलाउ करते हैं टू पास। जब वायलेट लाइट कट ऑफ हो जाती है तो जितनी भी हमारी LED लाइट्स हैं इसमें स्कैटर नहीं होता, जब स्कैटर नहीं होता तो वो शार्प दिखती हैं, इनमें कोई ग्लेयर और हेलोज नहीं होता और विजन जो होती है मोर टुवर्ड्स परफेक्शन होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं ऑफ सिनर्जी लेंसेज ओवर पेनोप्टिक्स लेंसेज एंड या ये जो CRV लेंसेज हैं, इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ओवर एनी ट्राईफोकल टेक्नोलॉजी या EDOF टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे तिरुपति आई सेंटर के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।